एवरीवन, गुड इवनिंग। यादव किचन बाय लक्ष्मी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने गाजर को ग्रेट करके ले लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई को रख देते हैं गैस पे और गैस ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें घी डाल देते हैं। तो घी गर्म होने के बाद डालेंगे इसमें ग्रेट किया हुआ गाजर। मैंने इसमें सारी गाजर डाल दी है, हम इसको मिक्स कर लेंगे। घी में ऐसा भून लेंगे इसको। इसके बाद इसको ढक देंगे, ढक कर पकाएंगे इसको। आंच को कम ही रखेंगे। तो इसको ढक देते हैं। तो एक दो मिनट के लिए मैंने इसको ऐसे ढक करके पका लिया है। इसको खोलते हैं, चला लेते हैं इसको। अब इसमें डालेंगे दूध, दूध डाल के पकाएंगे इसको। तो यहाँ पे मेरी गाजर जो है 1.5 किलो थी और लगभग दूध भी 1.5 किलो मैंने इसमें डाला है। अब इसमें इसको अच्छे से पकाएंगे। इसको दूध में देखिए, देखिए ऊपर घी आ गया है पूरा। इसको दूध में ऐसे ही पका लेंगे जब तक ये पक के कम सूख ना जाए और पूरा गाजर जो है मेरी सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद इसमें डालेंगे चीनी और ड्राई फ्रूट्स। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी है बनाने में। देखिए घी पूरा इसमें पता चल रहा है। चलिए इसी तरह इसको पका लेते हैं। आंच को कम ही रखेंगे, नहीं तो जल जाएगा। तो देखिए पूरा ये दूध सोख कर लिया है और अच्छे से पक गया है। पूरा सॉफ्ट हो गया है मेरा ये गाजर। यहाँ पे पूरा दूध सोख कर लिया है और ये पूरा सॉफ्ट हो गया है, एकदम मैश हो रहा है गाजर। पूरा अच्छे से गल गई है। देखिए कितना दानेदार लग रहा है, ऐसा लग रहा है खोया डाला हुआ है। अब इसमें डालेंगे, ऐसे सुखाने के बाद अब डालेंगे इसमें चीनी। चीनी आपको मीठा अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। चीनी डालने के बाद सुखा लेंगे। चीनी डालने के बाद भी पानी और निकलेगा इसमें से। देखिए मेरा हलवा बनके रेडी है, पूरा सूख गया है ये, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। गैस बंद कर देते हैं। मेरा गाजर का हलवा बनके रेडी है। बहुत इजी है बनाने में और बहुत ही टेस्टी है। आप भी ऐसे ही बनाइए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है शेयर और कमेंट भी करिए। थैंक यू।